पहले भाईचारा था, अब नहीं है। जो जो वादे किए पूरे नहीं हुए, हर इंसान परेशान रहा। मेरा मुद्दा है कि मोदी जी की गवर्नमेंट फिर से बनेगी। ना जनधन से कोई फायदा हुआ, ना नोटबंदी से कोई फायदा हुआ, उसमें और परेशानी हो गई। न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। पल्स ऑफ इंडिया, जनता की नब्ज टटोलने के लिए हम पहुंचे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। जी हाँ, लखनऊ। लखनऊ खास रहा है क्योंकि यह भाजपा का गढ़ रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी का लंबे समय तक ये संसदीय सीट रही है। इसके अलावा यहाँ आरएसएस का बहुत पुराना काम रहा है। हमने लखनऊ शहरी और लखनऊ ग्रामीण दोनों को कवर करने की कोशिश की और जानना चाहा कि जो गठबंधन है, गठबंधन आखिर कितना कारगर है। समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच जो गठबंधन है, क्या उसने वाकई कोई आशा की किरण जगाई है या भाजपा की जो गहरी पैठ है वह कारगर रहेगी। साहब, जब से ये लोग बैठे हैं तब से तो मैं सोचता हूँ कि सारा पैसा इन लोगों ने ले लिया है। मेरा 2500 रुपया डाला मैंने और मेरा रुपया उसमें काउंटर से गायब है। वो कहते वो अरे क्या होता, कंप्यूटर सर्विस में चला गया। अब बताइए साहब, ये 2500 रुपये अगर आप काट लेंगे और मैं गरीब आदमी हूँ, मैं किसी का 1000 डाल आया, विकलांग भी हूँ, फालिस का रोगी हूँ, एक हाथ एक तार खराब है मेरा, तो साहब कहने का मतलब ये है कि जब आप लोग तक का पैसा मेरा जमा होने पर आप काट लेंगे और मैं गरीब आदमी हूँ, मैं आपसे गिड़गिड़ा रहा हूँ कि साहब पैसा मेरा क्यों कट रहा, तो आप कह रहे वो कंप्यूटर सर्विस में कट गया है, ये कौन सी बात हुई साहब? बात क्या है, जब से नोटबंदी बहुत दिक्कतें हुई लोगों को, अब यहाँ तक कि नोटबंदी में बैंक में भी दिक्कतें कि आप पैन कार्ड लाइए, आधार कार्ड लाइए, तब हमारा ही पैसा फंसा हुआ, हम नहीं निकल पाता। जब से ये सरकार में ऐसा सिस्टम हुआ है कि हर इंसान परेशान हो गया। मेरा मुद्दा है कि मोदी जी की गवर्नमेंट फिर से बनेगी। लेकिन मोदी जी अपने दम पे जीत रहे हैं ना, मोदी जी किसी के सहायता में नहीं है। जनधन वाला तो इन्होंने दिया ही नहीं, वो बता दो 1,00,000 देंगे, 50,000 देंगे, 2,00,000 देंगे, कहाँ दे दिया, खाता बना के रखा हुआ घर में। वो आज तक वो बोले नहीं कि पैसा कहाँ। मैंने भी उसे क्लर्क से पूछा, हमने कहा भैया वो पैसा हमारा आने वाला था, कहीं भेजेंगे मोदी जी। अब मोदी जी कब भेजेंगे, जब हम चले जाएंगे वहाँ। हमको बहुत फायदे हुए उनसे, अच्छे लोग हैं, अच्छी सरकार है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। फायदे क्या हुए? फायदे ये हुए कि अब वो हम लोग के लिए सब कुछ कर रहे हैं। सरकार का काम बहुत बढ़िया है। सरकार के हमसे खाली 2 समस्याएं हैं, रोजगार और जो है ये गांव देहात में जो जानवर बहुत छूटे, इनकी समस्या ज़्यादा। रोजगार दे नहीं रहे हो, जो आदमी इस फुटपाथ पर सड़क पर काम कर रहा है उसको लगाने नहीं दे रहे हो, तो ये समस्या तो ही है। ₹2019 का चुनाव इस वक्त देश और देश के प्रति जो अंधभक्ति जो फैलाई जा रही है, राष्ट्र अंध राष्ट्रभक्ति, ये इसके बीच पे है। तो चाहे युवा माइनॉरिटी के हों या बहुसंख्यक के हों, दोनों इस 5 साल में ये चीज़ अच्छे से समझ चुके हैं कि इनके पास सिर्फ जुमले हैं और ये जुमले ही उछाल रहे हैं। तो योगी पूरी तरीके से, अगर मैं स्त्रियों की बात कहूं या मैं लेखकों की बात कहूं, तो पूरी तरीके से अभिव्यक्ति की आज़ादी पर रोक लगाने के हर संभव उपाय ये करते हैं। एवार्ड आपसी के मूवमेंट को, आंदोलन को जो ये गैंग कह रहे हैं, ये अपने आप में ही बता रहा है कि कितना विद्वेष और कितनी दुर्भावना से भरे हुए हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश और लखनऊ ही क्यों कहूँ, मैं कह रहा हूँ पूरे देश भर में ये तो बात आ ही रही है कि जितनी वादे किए गए थे, जितनी बातें कही गई थी, उस हिसाब से काम नहीं हो रहा है। किसी भी हाल में चीज़ें सब कहने की हो रही हैं और वास्तविकता ग्राउंड लेवल पे कुछ आ नहीं रहा है, हो नहीं रहा है, यही एक बहुत बड़ी समस्या है। जितना मैंने देखा है चुनाव का जो दौर है, इस तरह का जो क्रिटिकल पोजीशन जो है कभी मैंने देखा नहीं है। परिवर्तन या करवट बदलने की संभावना है, जिस तरह से एक काउंटर के रूप में, पहले क्या मैं देखता था कि सोशल मीडिया में एक पक्षीय आता रहता था, लेकिन अब जो है कि उसके काउंटर में, उसकी प्रतिक्रिया में बहुत तरह की चीज़ें आने लगी हैं
और लगता है कि हमारी आवाज़ है, जो हम लोग को कहना था वो सब आने से मुझे एक एक बहुत बड़ा उलट फेर की संभावना दिख रही है। हर कोई तो उनके अगेंस्ट है, ये किस बात का वो इतना कर रहे हैं कि हमने ये किया हमने वो किया, सिवाय रैलियों के उन्होंने किया क्या है? और इतनी रैलियाँ, इतना बड़ा बड़बोलापन। अगर आपने काम किया है तो आपको इतनी चिंता क्यों हो रही है? आप इतनी ज़्यादा रैलियाँ क्यों कर रहे हैं? आप जनता का मिजाज जानिए, जनता की दुख दर्द को जानिए, एक तो गरीब के झोपड़े तक जाइए। अगर जनता जागरूक नहीं हुई, अगर इस चीज़ को बहुत सीरियसली गंभीरता पूर्वक नहीं लिया जाएगा, देश हमारा किधर जाएगा, साहित्य हमारा किधर जाएगा, नफरत बढ़ती चली जाएगी, क्या होगा? बहुत चिंता की बात है। इसलिए हम सबको जागरूक होना होगा, उठना होगा और अपने विचार खुल करके सबके सामने रखना होगा। इस समय की जो हालात और स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी से या आरएसएस से कोई अगर लड़ रहा है तो जमीन पर जनता ही लड़ रही है, कोई नेता नहीं लड़ रहा है, क्योंकि उनकी जितनी बड़ी तैयारी है और वो जिस लेवल पे मतलब जो है पेनिट्रेट किया है उन लोगों ने बस्तियों के अंदर, गांवों के अंदर, जो इस तरह के वो अंदर गए हैं, दूसरी तरफ जो अपोजिट लड़ने वाली ताकतें हैं वो उस तरीके से कहीं भी अपने ताकत और उसको नहीं दिखा पा रही। तो ग्रास रूट लेवल पे जो कुछ लड़ाई लड़ रहे हैं वो जनता लड़ रही है और वो जनता पूरी तरीके से अपनी पहलकदमी से लड़ रही है और इसके उदाहरण और इसके एग्जाम्पल मैंने कई देखे हैं। यूपी में हमारा मानना है कि मतलब जो है भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पे मतलब 20 सीट से ऊपर नहीं जाना चाहिए। कुछ नहीं का मिला है, का बताओ, ना लेटर ही मिले, ना कोई पेंसिल मिले, ना कुछ ही मिल रहे हैं। बाबा नहीं गवा कुछ गलिया कहा गई, हम देंगे बहन जी का, चाहे मोदी गोली मारे तो चाहे रखे, बहन जी कोई काट नहीं, लेकिन उनका शासन सख्त था, उनके जमाने में कोई तुरंत एक्शन लेती थी। मोदी जी यहाँ कभी आए, यहाँ जा रहे थे लोग दर्शन कर रहे, और गाड़ी भगाई नहीं चलेगी, अरे रुकना चाहिए दो मिनट। सर तिरपाई तारे गुजारा कर रहे हैं, अब की बरखा में जिसके घर जाओ खेल देते थे नान के बच्चा, हमारा 2 साल के बाद तीसरे में पड़ा है, बच्चा बीमार हो गया, ना शौचालय मिला, आवास उनका मिला, कुछ नहीं मिला। खेती बाड़ी जो थोड़ी बहुत है वही नहीं हो पा रही, जानवर खा जा रहे हैं, उसके बाद जो ट्यूबवेल पहले थे वो भी खराब पड़े हैं, सारे खेत चढ़ गए। यहाँ वो बताया था क्या बोलते हैं कि वो गौशाला बनेगी, गौशाला भी नहीं बनाया, ना शौचालय आए हम लोगों के, ना ही बोले थे 15 लाख, सब तो झूठे वादे कर रहे हैं मैम ये लोग, हम लोग कहाँ जाए क्या करें, किसी को रोजगार दिया अभी तक? खेती बाड़ी करते हैं वो भी जानवर चर गए, गवर्नमेंट ने ऐसा आदेश कर दिया कि जानवर बिकना बंद हो गए तो वो लोग छोड़ने लगे, क्या काम है, कहाँ जाए, पकौड़ा बेचे तो हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं, 10-10 लाख का सूट पहन रहे हैं, विदेश की यात्रा कर रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए का खर्चा कर रहे हैं आराम, उनको कौन परेशानी, परेशान तो जनता है ना सर। हम लोग को वो भी जो 500 रुपया प्रति महीना देने लेकर वो भी नहीं मिला, 2000 रुपया वो भी नहीं मिला, वो भी नहीं मिला, नहीं वो 2000 तो चुनाव से ठीक पहले दिया गया ताकि किसान थोड़ा नाराज तो हमका दिन का हमका नहीं मिला है। गैस मिली आपको? कुछ नहीं मिला, लाइटिन भी नहीं मिली। लखनऊ में हमने बातचीत की लेखकों से, पत्रकारों से, रंगकर्मियों से और आम जनता से। अगर ये सेक्शन को आप मानिए तो लेखकों के बीच गहरा आक्रोश है। यहाँ से एक अपील भी जारी हुई है जो राष्ट्रीय स्तर पे गई है, जिसे अलग अलग लेखक संगठनों ने कहा है और उन्होंने मोदी के खिलाफ वोट डालने की अपील की है। वहीं दूसरी तरफ जो आम जनता है, जो चाय बनाने वाले हैं, जो ड्राइवर हैं, जो छोटी मोटी खेती करने वाले हैं, उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत है नोटबंदी और जानवरों की समस्या। वह इसे खुल के बोलते हैं, यहाँ तक कि लखनऊ में भी वो लोग जो भाजपा को या मोदी के समर्थक हैं वो कहते हैं कि दो चीज़ों पर भाजपा फेल रही, पहला रोजगार और दूसरा जानवरों की समस्या। इसे किस तरह से वोटों में तब्दील होगा, किया जाएगा, यह तो देखना बाकी है, लेकिन गुस्सा जाहिर है। वहीं दूसरी तरफ मोदी और भाजपा के समर्थकों का कहना है कि देश के नाम पर, देश हित के नाम पर वे वोट देंगे क्योंकि मोदी के अलावा देश को कोई नहीं संभाल सकता। उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई है बहुत सी आशाएं। यहाँ पर भाजपा अपने अधिकतम तक जा चुकी है,
और सबका ये मानना है कि उसमें गिरावट होगी। यहाँ तक कि जो मोदी समर्थक हैं वह भी मानते हैं कि 30 से 35 सीटें कम होने जा रही हैं।